व्यापार मंडल नवाही ने आज बैठक का आयोजन किया, जिसमें शक्तिपीठ नवाही माता मंदिर के चारों तरफ बदबूदार गंदगी और गंदे नालियों के बारे में चर्चा की गई। प्रधान ने बताया कि इस गंदगी से समस्त व्यापारी और श्रद्धालु और यहां की समस्त जनता परेशान है तथा इस गंदगी से कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराया हुआ है। उन्होंने कहा कि मंदिर के चारों तरफ जो रास्ता बन रहा है उसका काम भी 2 सालों से बंद पड़ा है और जो शौचालय बन गया है उसको 7 सालों में आज तक नहीं खोला गया। मंडल के प्रधान विशाल ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए पंचायत से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि SDM सरकाघाट को इसके बारे में अवगत करवाया गया, परंतु इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। व्यापार मंडल के प्रधान विशाल ने DC मंडी से अनुरोध किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से व्यापार मंडल अध्यक्ष विशाल, व्यापार मंडल उप प्रधान अजय सिंह, व्यापार मंडल सदस्य विशाल गुलेरिया, विपिन राही, विनोद शर्मा, अश्विनी कुमार, राकेश कुमार इत्यादि सदस्य शामिल रहे। व्यापार मंडल उप प्रधान अजय, मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो मंदिर के बाहर इतनी गंदगी फैली हुई है, हम प्रशासन से भी इसके बारे में संपर्क किया और अपने पंचायत को भी इस बारे में बोला, परंतु आज तक इस के बारे में कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये टॉयलेट था, ये 7 सालों से बंद था, हमने 1 साल इसको चलवाया, परंतु हम व्यापार मंडल इसमें इसको चलाने में असमर्थ है क्योंकि इसकी आर्थिक सहायता कोई नहीं कर रहा है। तो मैं DC साहब महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मैं विशाल ठाकुर, व्यापार मंडल अध्यक्ष नवाही। व्यापार मंडल नवाही ने तकरीबन 1 साल से बाजार और शौचालय का रख रखाव करा, परंतु प्रशासन और पंचायत से कोई किसी प्रकार की सहायता ना मिलने के कारण हमने इसे इन सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया। हमारा व्यापार मंडल नवाही का प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा हमें मजबूरन उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए भांबला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।